मैं आपको दिखाने वाली हूँ एलिका कंपनी की जो इलेक्ट्रिक चिमनी है उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। इसकी क्लीनिंग हमें 3 हफ्तों में एक बार करनी ही चाहिए, लेकिन मेरी जो चिमनी है इलेक्ट्रिक उसे लगा के 1 महीना हो गया है कंप्लीट, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं। क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले हमें स्विच ऑन कर लेना है, तो फिर इस प्रकार ये ट्यून करेगा। स्टार्ट करने के बाद ये पावर का जो बटन है इसे 9 सेकंड के लिए हमें प्रेस करके रखना है, तो वो 9, 8, 7, 6 ऐसा चलता रहेगा। 0 न हो जाए हमें वेट करना होगा। ये देखिए ये नंबर 0 आ गया है, तो ये अपने आप ऑन हो गया। अब जब तक ये ऑफ न हो जाए हमें ये कंटेनर नहीं निकालना है जिसमें तेल जमा होता है। ये अपने आप ऑफ हो जाएगा जब निकालेंगे इसे। चलिए ये ऑफ हो गया है, तो हम इसे कंटेनर को निकालते हैं और देखते हैं कि कितना ऑयल जमा हुआ है यहाँ पे। कम ऑयल इसमें जमा हुआ है, तो इसे हम साफ कर लेते हैं। कोई भी नॉर्मल लिक्विड डिश वॉशर से हम इसे साफ कर सकते हैं। इसे ये जाली जो है इसे भी मैं साफ कर लेती हूँ इसे 2 स्क्रू से। ये सिर्फ 2 स्क्रू पे है, तो इसे बहुत ही आसान है। हम महिलाएं भी आसानी से इसे साफ कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रॉच ब्राइट पे हमें विम लिक्विड लेना है बिल्कुल थोड़ा, और इसे पे अप्लाई करना है। इसे हल्के हाथ से सिर्फ रब करना है। विम लिक्विड की वजह से सारी चिकनाई जल्दी से निकल जाती है। अप्लाई करने के बाद इसे बस 10-15 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट बाद इसे इस तरह की जो स्टील की पूल आती है बर्तन के लिए उससे अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद इसे धो लेंगे, धो लेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। अब इसे हम एक सूखे नैपकिन से या कुछ रुमाल से ड्राई कर लेंगे, इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। ये हमारी जाली साफ हो गई है अच्छे से। कंटेनर को भी विम लिक्विड से ही साफ करते हैं। Thank you.
निकल गई है इसकी भी चिकनाहट, तो हम इसे नल के नीचे से धो लेते हैं। चिमनी के आजू बाजू में ऊपर जो ऑयल पड़ा है इसे भी मैं इस सॉफ्ट स्क्रॉच वाइप से, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है, इस तरह से हल्के हाथों से रब करूंगी। गीले स्क्रॉच ब्रश पे मैंने बिल्कुल 2 या 3 ड्रॉप्स ही लिए हैं डिश वॉश के। आजू बाजू जो ऑयल पड़ा है, ये जो ऊपर की सतह है, इसे भी हम हल्के हाथों से रब करके साफ कर लेंगे। गीले कपड़े से पोंछने के बाद ही से हम सूखे कपड़े से भी पोंछ ले रहे हैं। अच्छे से साफ हो गया है, अब इसे हम फिर से लगा लेंगे इस जाले को। तो दोनों स्क्रू मैंने लगा लिए हैं अच्छे से। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये बिल्कुल नई जैसी साफ हो गई है। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, हमें इसे 2 हफ्तों में एक बार ज़रूर साफ करना चाहिए ताकि ये बहुत ही अच्छी सर्विस दे सके। आज के लिए इतना ही। कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।